हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित बायोलॉजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th के चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मेंशन की गई कुछ न्यूरल डिजीज के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन वगैरह के बारे में और रिफ्लेक्स एक्शन है, साइनेप्स है उसके बारे में। ठीक है, आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक रहेगा कॉमन न्यूरल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं यहां लिख लेता हूं कॉमन न्यूरल डिजीज। ठीक है भाई, हमारे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ बीमारियां जो है वो मेंशन की गई हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है, पोलियो माइलिटिस। ठीक है जी, पोलियो माइलिटिस दोस्तों क्या है, ये मोटर न्यूरॉन, ठीक है, इट इज अ वायरल इंफेक्शन, वायरल इंफेक्शन विच अफेक्ट मोटर न्यूरॉन इन एंटीरियर हॉर्न ऑफ ऑफ स्पाइनल कोड। ठीक है, स्पाइनल कोड के एंटीरियर हॉर्न में जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनको डैमेज करने वाला ये एक वायरल इंफेक्शन है। एंड जो वायरस इसके रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम पोलियोमाइलिटिस वायरस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं, देखिए कई लोगों के अंदर ये जो वायरस है वो अपने सिम्टम शो नहीं करता, लेकिन इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सिम्टम अपीयर होता है वो होता है पैरालिसिस। क्या? पैरालिसिस। एंड सीवियर केसेस में क्या कंडीशन है, डेथ जो है वो इंडिविजुअल की डेथ भी काज कर सकता है। ठीक है, तो पहला जो डिसऑर्डर है हमारे नर्वस सिस्टम का वो क्या है, पोलियोमाइलिटिस। इसके बाद जो दूसरा डिसऑर्डर है दैट इज मेनिनजाइटिस। ठीक है, दूसरा डिसऑर्डर है मेनिनजाइटिस, यहां लिख देते हैं हम मेनिनजाइटिस। ठीक है, मेनिनजाइटिस देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारा ब्रेन है या जो हमारी स्पाइनल कोड है उसके ऊपर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे आप लोगों को नाम ध्यान हो अगर पाया मेटर और ड्यूरा मेटर, क्लियर हो रही बात, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन। तो इन मेम्ब्रेन्स की स्वेलिंग जो है, इन मेम्ब्रेन्स की इंफ्लेमेशन को हम बोलते हैं मेनिनजाइटिस। ठीक है, इंफ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट ओवर ओवर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, और ये किस वजह से हो सकता है, इट अकर्स ड्यू टू इंफेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस। ये बैक्टीरिया या वायरस की इंफेक्शन की वजह से हो सकती है मेनिनजाइटिस। और ये है क्या, इंफ्लेमेशन है किसकी, ब्रेन और स्पाइनल कोड के ऊपर प्रेजेंट मेम्ब्रेन्स। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी डिसऑर्डर है मेनिनजाइटिस के बाद जो तीसरा डिसऑर्डर है वो है जी न्यूरलजिया। ठीक है, क्या है, न्यूरलजिया। देखिए दोस्तों, न्यूरलजिया क्या होता है, किसी भी नर्व में अगर कोई नर्व आपकी बॉडी में इरिटेट हो रही है या डैमेज हो गई है तो उस नर्व में जो पेन होता है, ठीक है, मॉडरेट हो सकता है, स्वियर पेन हो सकता है, वो जो पेन है ड्यू टू एन इरिटेटेड और डैमेज्ड नर्व, दैट इज व्हाट वी नोन एज न्यूरलजिया। ठीक है, ये क्या है,
मॉडरेट और सीवियर पेन ड्यू टू एन इरिटेटेड और डैमेज्ड नर्व। जैसे मान लेते हैं अपन डॉक्टर के यहां जा रहे हैं, अपने जाग में अपने जो मोलर्स हैं उनमें कोई पेन है या विजडम टीथ निकल रहा है, उस समय हमें वो जो टीथ है वो निकलवाना पड़ता है। ठीक है, भी सीवियर पेन है या हमें बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है हमारा कोई दांत, तो उस दांत को हमें निकालना पड़ेगा। तो उस दांत को निकालने से पहले वो जो डेंटिस्ट है वो एक एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। भी हमारे जो हम बोल देते हैं ना सुन करने वाला जो इंजेक्शन है, वो सुन करने वाला इंजेक्शन क्या करेगा, वो वहां पर प्रेजेंट नर्व जो है, क्योंकि अब अगर वहां से दांत खींच करके निकाला जाएगा तो क्या होगा, जो वहां नर्व होगी उस दांत के साथ जो कनेक्टेड है उसमें काफी ज्यादा पेन होगा, वो इरिटेट होगी, डैमेज भी होगी, तो उससे बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो सकता है। ठीक है, और अगर ये आगे कंटिन्यू करता है, ठीक है भाई, पेन होगा, उस चीज को आप फील ना कर पाओ, इसके लिए वो लोग जो है एनेस्थीसिया देते हैं। ठीक है, उसके बाद भी अगर वो पेन वहां पर मेंटेन्ड रहता है, ठीक है भाई, आपने दांत निकलवा लिया है, उसके बाद में भी अगर इसी तरह से वो जो आप कुछ खा पी रहे हैं उस दौरान अगर वो पेन जो है वो रीअपियर हो रहा है, तो वो क्या होगा, इरिटेटेड या डैमेज नर्व की वजह से होगा, यानी कि वो जो नर्व है अभी तक वो प्रॉपरली ठीक हुई नहीं है, उसको जो डैमेज पहुंचा था वो अभी वो दूर नहीं हुआ है, उसका जो नुकसान हुआ वो अभी उसकी भरपाई नहीं हुई है, इसलिए वो आपको परेशान करेगी, और वो जो परेशानी काज करेगी उसको क्या नाम दे रहे हैं, न्यूरलजिया नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है फोर्थ टाइप ऑफ न्यूरल डिसऑर्डर, उसमें हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसमें क्या है कि हार्ड टिश्यू जो होगा, हार्ड टिश्यू रिप्लेस माइलिन शीथ, प्रेजेंट ओवर न्यूरॉन। ठीक है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में न्यूरॉन के जो ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, उस माइलिन शीथ की जगह वो माइलिन शीथ जो है वो तो डैमेज हो जाएगी और उसकी जगह क्या ले लेगा, हार्ड टिश्यू ले लेगा। ठीक है, तो इस हार्ड टिश्यू के लिए स्क्लेरोसिस जो वर्ड है वो यूज किया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ये मेन डिसऑर्डर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर माइलिन शीथ जो है उसको रिप्लेस कर देता है हार्ड टिश्यू। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज है, फिफ्थ डिजीज जो है वो है सियाटिका। ठीक है, नाम सुना होगा आपने सियाटिका। ठीक है, सिंपल से शब्दों में बोले तो पेन अलोंग सियाटिक नर्व, हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट नर्व जो है, हमारी बॉडी की जो लॉन्गेस्ट नर्व होती है वो होती है सियाटिक नर्व। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लोअर पार्ट से ओरिजिनेट करती है और हमारे पांव तक जाती है सियाटिक नर्व। ठीक है, तो अगर इस सियाटिक नर्व में पेन अपीयर हो रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सियाटिका। और ये पेन कब अपीयर हो सकता है, ये पेन कब अपीयर हो सकता है, देखिए कुछ कंडीशन है, जैसे स्लिप्ड डिस्क। स्लिप्ड डिस्क का मतलब देखिए, हमारे जो बैकबोन है, बैकबोन के अंदर कई सारी छोटी छोटी वर्टिब्रल बोन्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है रीढ़ की हड्डी उसमें कई छोटी छोटी वर्टिब्रल बोन्स हैं जो एक के ऊपर एक रखी गई हैं। ठीक है, और इन हड्डियों को जोड़ने के लिए बीच में इनमें इंटर वर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, क्लियर है, तो नॉर्मल कंडीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार क्या होती है कि ये जो इंटर वर्टिब्रल डिस्क है ये हर्निएट कर जाती है। क्या कर जाती है,
हर्निएट यानी कि अपने नॉर्मल पोजीशन से हटकर ये बाहर की तरफ निकल आती है, ठीक है, बाहर की तरफ निकल आने को हम बोलते हैं हर्निएट। तो ये जब इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएट करेगी उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्लिप्ड डिस्क। अब स्लिप डिस्क की वजह से यानी कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो कि हर्निएट कर रही है वो सियाटिक नर्व को प्रेशराइज करती है, और जैसे ही सियाटिक नर्व जो है प्रेशराइज होगी उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, हमसे चला फिर जो है हम चल फिर भी प्रॉपरली नहीं पाएंगे। इसके अलावा स्लिप डिस्क के अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, प्रेगनेंसी जो है वो भी सियाटिका का एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा ओस्टियो अर्थराइटिस ये भी सियाटिका के लिए एक फैक्टर हो सकता है, सियाटिका की कंडीशन अपीयर होने के लिए एक फैक्टर माना जा सकता है। कौन कौन से तीन बता दिए आपको, एक स्लिप डिस्क यानी कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हर्निएशन, दूसरा प्रेगनेंसी और तीसरा ओस्टियो अर्थराइटिस। अब तक हमने कर लिए पांच बीमारियां, उसके बाद जो नेक्स्ट है डिजीज उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो सिक्स डिजीज है वो कौन सी है, पार्किंसन डिजीज, ठीक है, कौन सी सिक्स डिजीज जो है वो क्या है, पार्किंसन डिजीज, ठीक है। पार्किंसन डिजीज में क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, एक बहुत ही फेमस बॉक्सर थे मोहम्मद अली, उनको ये बीमारी थी, ठीक है। पार्किंसन डिजीज में क्या होगा, डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स विच सिक्रीट या विच प्रोड्यूस डोपामाइन, ठीक है। पार्किंसन डिजीज की कंडीशन में क्या होता है, ये पार्किंसन डिजीज अपीयर कब होती है, ये हमारी बॉडी में हमारे ब्रेन में तब अपीयर होती है जब हमारे ब्रेन में ऐसे न्यूरॉन्स डैमेज होना डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं जो डोपामाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, डोपामाइन, ठीक है। और इसके सिम्टम्स में क्या होगा, इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में ट्रेमर्स एंड शेकिंग ऑफ लिम्ब्स, शेकिंग ऑफ लिम्ब्स, ठीक है, पुअर वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है, ऐसे काम जो हमारी इच्छा से हम लोग चल फिर सकते हैं या किसी भी तरह का कोई वॉलेंट्री एक्शन जो हम शो कर रहे हैं उसमें हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज्यादा पुअर हो जाएगी, हमारे जो हाथ हैं वो ऐसे कांपेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है किसकी, पार्किंसन डिजीज की। इसके अलावा इसमें डिमेंशिया भी अपीयर, डिमेंशिया का मतलब मेमोरी लॉस, ठीक है, ये भी इसमें अपीयर होता है, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये बीमारी किसे थी, एक बहुत ही फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली, वो जो है वो पार्किंसन डिजीज से अफेक्टेड थे। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज के बाद में इसी तरह की एक और डिजीज है, विल्सन डिजीज, ठीक है, विल्सन डिजीज, कौन सा नंबर हो गया, ये होगी सेवंथ नंबर का डिसऑर्डर, क्या, विल्सन डिजीज, ठीक है। विल्सन डिजीज को हम हेपेटो लेंटिक्यूलर डिसऑर्डर भी बोल देते हैं, ठीक है, हेपेटो लेंटिक्यूलर डिजनरेशन या हेपेटो लेंटिक्यूलर डिसऑर्डर भी इसको नाम दे दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, हेपेटो वर्ड इज फॉर लीवर एंड लेंटिक्यूलर, लेंटिक्यूलर न्यूक्लियस की बात की जा रही है, ठीक है, लेंटिक्यूलर न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये विल्सन डिजीज जो है ये अपीयर क्यों होती है, काज क्या है इसका, जो विल्सन डिजीज है इट इज ड्यू टू डिस्टर्ब्ड कॉपर मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के अंदर कॉपर का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब जब हो जाता है तो कॉपर हमारी बॉडी से के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। कॉपर की एक्यूमुलेशन जो है वो
लीवर के टिश्यू की डैमेज करना स्टार्ट कर देगा और साथ ही साथ हमारे ब्रेन में जो लेंटिकुलर न्यूक्लियस है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो कंडीशन अपीयर होते हैं ड्यू टू डिस्टर्ब कॉपर मेटाबॉलिज्म, इसको हम नाम देते हैं विल्सन डिजीज। इसके जो सिम्टम्स हैं ये सिमिलर हैं टू पार्किंसंस डिसऑर्डर। जो पार्किंसन डिजीज अभी हमने पढ़ा उसी के सिमिलर हैं। इसके अलावा इसमें स्वेलिंग आ सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, जो कि लीवर से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। विल्सन डिजीज के बाद एक और इंपॉर्टेंट जो डिजीज है, ठीक है, विल्सन डिजीज के बाद एक और इंपॉर्टेंट जो डिजीज है वो है एल्जाइमर्स डिजीज, ठीक है। कौन सी? एल्जाइमर्स डिजीज, आठवीं जो डिजीज हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, एल्जाइमर्स डिजीज, ठीक है। ये एल्जाइमर डिजीज जो है ये क्या है? सीवियर मेमोरी लॉस। इसका एक जो मेन सिम्टम वो क्या है? सीवियर मेमोरी लॉस, ठीक है। आदमी जो है वो छोटी 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 जो बातें होती हैं जो शायद कभी कोई ना भूल सके, ठीक है, वो भी भुला देता है। इवन अपने जो घर वाले हैं, अपने जो पति पत्नी है या बेटा बेटी है, माता पिता है, उनको भी भूल जाते हैं, इतनी सीवियर मेमोरी लॉस जो है वो अपीयर होती है। और ये जो अल्जाइमर्स डिजीज है ये क्यों होता है? ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स इन हिप्पोकैम्पस एरिया ऑफ ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के हिप्पोकैम्पस एरिया में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, एसिटाइल कोहोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने वाले, उनकी डिजनरेशन की वजह से अल्जाइमर डिजीज जो है ये अपीयर होती है। सीवियर मेमोरी लॉस जो है ये इसमें देखने को मिलता है अल्जाइमर डिजीज के बाद में। जो नेक्स्ट डिजीज है अल्जाइमर डिजीज के बाद में जो नेक्स्ट डिजीज है वो है जी सिज़ोफ्रेनिया, ठीक है। सिज़ोफ्रेनिया देखिए इसका जो मेन सिम्टम है, ठीक है, वो क्या है? हेलुसिनेशंस, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के सोचने की, महसूस करने की, ठीक है, जो शक्ति है ये उसको अफेक्ट करती है। लोगों को हेलुसिनेशन किसको बोला जाता है मालूम है आपको? हेलुसिनेशन होता है मति भ्रम, ठीक है, मति भ्रम। हमारी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है, हमारा जो दिमाग है वो भ्रमित हो जाता है, जो चीजें होंगी ही नहीं वो दिखाई देने लग जाते हैं, जो बातें बोली ही नहीं जा रही वो सुनाई देने लग जाती है। जैसे आप लोग देखते हैं ना भूत प्रेत दिखाई देना या आवाजें सुनाई देनी, रोशनियां दिखनी, ये सब इसके अंदर देखने को मिलता है। किसमें? सिज़ोफ्रेनिया में, ठीक है। तो इट किसको अफेक्ट करती है? इट अफेक्ट द थिंकिंग बिहेवियर एंड फीलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। ये जो सिज़ोफ्रेनिया है इसमें जो इंडिविजुअल होगा उसे हेलुसिनेशंस अपीयर होती हैं, चीजें दिखाई देती हैं, बातें सुनाई देती हैं, रोशनियां दिखाई देती हैं, ठीक है, और खास तौर पर वो लोग दिखाई देते हैं जो मर चुके हैं, ठीक है। तो हेलुसिनेशन अपीयर होंगी और इससे उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है, उसकी महसूस करने की जो कैपेबिलिटी है, और उस इन दोनों के साथ साथ उनका जो उस इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होगा वो भी बदल जाएगा, ठीक है। और ये जो सिज़ोफ्रेनिया है इसके पीछे रीजन क्या? ये जेनेटिक भी हो सकता है, यानी कि ये फैमिलीज में रन कर सकता है। इसके पीछे बायोकेमिकल रीजन भी हो सकते हैं, यानी कि जो इनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल
फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। किसके पीछे? सीजोफ्रेनिया के पीछे। क्लियर हो रही बात? सीजोफ्रेनिया के बाद जो नेक्स्ट डिजीज है वो है ब्रोका अफेशिया। ठीक है, ब्रोका अफेशिया। तो जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो कौन सा है? ब्रोका अफेशिया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे जो सेरिब्रम है, ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है, उसके फ्रंटल लोब में एक ब्रोका मोटर एरिया होता है, ब्रोका मोटर एरिया। ठीक है, कहां पर? फ्रंटल पार्ट ऑफ सेरिब्रम में। ठीक है, तो ब्रोका अफेशिया इससे रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, इस बीमारी में होगा क्या? इनएबिलिटी, एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली। वो जो इंसान है वो फ्लुएंटली अपनी बात बोल नहीं सकता है। ठीक है, उसके सुनने में समझने में कोई दिक्कत नहीं है, वो सामने वाला जो बोल रहा है वो आराम से सुन सकता है, समझ सकता है। ठीक है, लेकिन वो फ्लुएंटली खुद बोल नहीं सकता। ठीक है, तो इनएबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली। ठीक है, जिस इंडिविजुअल में ये डिसऑर्डर अपीयर होगा वो इंसान जो है दूसरों की बातों को, जो वो बातें बोल रहे हैं सामने वाले उनकी बातों को सुनेंगे, समझ सकते हैं, लिखा हुआ जो है वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फ्लुएंटली अपनी बात बोल नहीं सकते। क्लियर हो रही बात? इसके बाद में कंडीशन क्या है? इसके बाद में ये जो ब्रोका अफेशिया की ये जो ब्रोका मोटर एरिया है, अब ये जो कंडीशन अपीयर हुई, ये कंडीशन कब अपीयर होगी? जब ब्रोका मोटर एरिया डैमेज होगा। ठीक है, अगर ब्रोका मोटर एरिया में प्रेजेंट न्यूरॉन्स जो हैं उसमें किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस आती है, कोई डैमेज होता है वहां पर, वो डीजनरेशन शो करते हैं, तब उनके एंड कैंडिडेट्स के अंदर ब्रोका अफेशिया की जो कंडीशन है ये अपीयर होगी। और इसी तरह की एक और डिसऑर्डर है वर्निकी अफेशिया, जिसको हम बोलते हैं वर्निकी अफेशिया। वर्निकी अफेशिया, ये जो वर्निकी अफेशिया है इसमें जो इंसान है, इट इज नॉट एबल टू, इनएबिलिटी, वर्निकी अफेशिया क्या है? इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन और रिटन वर्ड्स। ठीक है, वर्निकी अफेशिया से अफेक्टेड जो इंडिविजुअल होगा वो बोला क्या जा रहा है या लिखा क्या जा रहा है इन चीजों को समझ नहीं पाएगा, वो शब्द नहीं समझ पाएगा जिस जो बोला गया है, जो लिखा गया है। और ये कब अपीयर होती है? देखिए, ब्रोका अफेशिया अपीयर होती है ड्यू टू डैमेज इन द न्यूरॉन्स ऑफ ब्रोका मोटर एरिया। वर्निकी अफेशिया जो है ये अपीयर होगी ड्यू टू डैमेज इन या डैमेज ऑफ न्यूरॉन्स इन वर्निकी एरिया प्रेजेंट इन टेम्पोरल लोब ऑफ सेरेब्रम। ठीक है, तो जहां ब्रोका अफेशिया में जो इंडिविजुअल होता है वो फ्लुएंटली बोल नहीं पाता, ठीक है, सिर्फ वो फ्रिक्वेंटली बोल नहीं पाएगा, सुन सकता है, समझ सकता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वर्निकी अफेशिया में क्या होगा कि वो जो इंडिविजुअल है वो सुन और समझ ही नहीं पाएगा, भी बोला क्या जा रहा है ये समझ नहीं पाएगा। ठीक है, जो शब्द उसे सुनाई देंगे वो उसकी समझ में नहीं आएंगे, जो उसे लिख करके दिखाया जा रहा है वो उसको समझ नहीं पाएगा क्या लिखा जा रहा है। ठीक है, और इसी वजह से भी ये शब्दों को समझ ही नहीं पाते हैं, तो उन शब्दों का इस्तेमाल सेंटेंस फॉर्मेशन में ये नहीं कर पाते हैं, बाकी इनकी जो फ्लुएंसी है उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये शब्दों को समझ पाए, अगर ये समझ पाए कि कौन सा शब्द कहां कैसे यूज किया जाएगा,
तो ये फ्लुएंटली सेंटेंस फॉर्म कर पाए, लेकिन चूंकि ये शब्दों को ही समझ नहीं पाते इसलिए इनमें फ्लुएंसी भी अपीयर नहीं होती। तो दो तरह के अफेशिया, एक हमने पढ़ा ब्रोका अफेशिया, इनएबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली, और दूसरा वर्निकी अफेशिया जिसमें इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन और रिटन वर्ड्स के बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद जो नेक्स्ट है और जो लास्ट न्यूरल डिसऑर्डर है वो कौन सा है, कोरास्कोफ सिंड्रोम। ठीक है, कोरास्कोफ सिंड्रोम, कोरास्कोफ सिंड्रोम, कोरास्कोफ सिंड्रोम। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है जी अगेन अमनेशिया या डिमेंशिया की। ठीक है, यानी कि मेमोरी लॉस की। लेकिन ये क्यों हो रही है, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 यानी कि थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और ये जो थायमिन की डेफिशिएंसी है यहां पर, ये किस वजह से आ रही है, या तो ये डाइट्री डेफिशिएंसी हो सकती है, यानी कि आप खाना ऐसा खा रहे हैं जिसमें आपको विटामिन B1 या थायमिन अवेलेबल नहीं हो पा रहा, या फिर ये क्या है, ओवर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ओवर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल की वजह से हो सकती है। देखिए, डाइट्री डेफिशिएंसी बहुत ही रेयरली दिखाई देती है विटामिन B1 की, ठीक है, जिसकी वजह से कोरास्कोफ सिंड्रोम हो, लेकिन ओवर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल जो है वो कोरास्कोफ सिंड्रोम की वजह से होने वाले जो मेमोरी लॉस है या डिमेंशिया अमनेशिया की जो कंडीशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, ओवर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। तो कोरास्कोफ सिंड्रोम में मेमोरी लॉस अपीयर होता है और ये ओवर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल की वजह से होने वाले डिजीज है। ठीक है, ये थी कुछ न्यूरल डिजीज जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में मेंशन की गई है। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो डिजीज है ये समझ में आई होंगी। फिर भी किसी भी तरह का अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके उन डाउट को सॉल्व करने की। ठीक है, तो आज के लिए इन डिजीज को पढ़िए, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, और थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।